नीम अगर बह गया तो इसका मतलब होता है कि उस वक्त किडनी में कमजोरी है। तो यूरिया क्रिएटिनिन जब किसी का बढ़ा आता है तो इसको लेके लोगों के मन में बहुत बार डर का माहौल हो जाता है और सबके मन में एक ही सवाल होता है कि एक बार यूरिया बढ़ गया या एक बार क्रिएटिनिन बढ़ गया तो क्या ये कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, यूरिया और क्रिएटिनिन का निर्माण किडनी नहीं करती है। यूरिया भोजन खाने के बाद, जो खाना पचने के बाद जहर बनता है, यूरिया उससे बनता है, और प्रोटीन युक्त भोजन से यूरिया ज़्यादा बनता है। और क्रिएटिनिन की बात करें तो हमारी मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म में जो मांसपेशियों का विघटन होता है उससे क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। तो यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों किडनी में नहीं बनते हैं। अब ये दोनों टॉक्सिन्स जो खून में होते हैं उनको करीब करीब किडनी पूर्णतया बाहर निकाल देती है। तो एक स्वस्थ आदमी में यूरिया और क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि यूरिया और क्रिएटिनिन एकमात्र जहर नहीं है जो किडनी के कमजोरी में बढ़ता हो। दरअसल ढेर सारे जहरीले पदार्थ का निर्माण शरीर में लगातार होता रहता है और किडनी उनको यूरिन के माध्यम से लगातार निकालती रहती है। लेकिन हर जहर को नापना आसान नहीं है। तो यूरिया और क्रिएटिनिन को नाप करके हम एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि किडनी का फंक्शन कैसा है। तो जब भी किडनी कमज़ोर पड़ेगी तो उस वक्त शरीर के टॉक्सिन्स ज़्यादा यूरिन में नहीं निकल पाएंगे और कुछ पेशाब में पाए जाने वाले तत्व खून में बढ़ जाएंगे। तो अगर यूरिया बढ़ा, अगर क्रिएटिनिन बढ़ा, तो एक अंदाज़ा लगता है कि क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने का कारण है किडनी की कमजोरी। किडनी जितना ज़्यादा कमज़ोर होगी, यूरिया और क्रिएटिनिन उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो प्रश्न ये है कि एक बार बढ़ने के बाद ये कम हो सकता है कि नहीं। देखिए, यूरिया और क्रिएटिनिन सिर्फ उस वक्त का किडनी फंक्शन का अंदाज़ा बताते हैं जिस वक्त यह ब्लड सैंपल लिया गया था। तो यूरिया क्रिएटिनिन का वैल्यू डेली बेसिस पर अगर देखें तो वो घटता बढ़ता रहता है किसी भी इंसान में। देखिए, हमारे खाने पानी की मात्रा अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि आज की रिपोर्ट कल की रिपोर्ट से अलग हो, कल की रिपोर्ट परसों की रिपोर्ट से अलग हो। और इतना ही नहीं, लैब वाइज वेरिएशन भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लैब्स का नापने का तरीका दूसरे लैब की तुलना में अलग होता है। तो अगर एक ही दिन आप दो लैब से टेस्ट कराएंगे तो ये संभव है कि वो रिपोर्ट थोड़ा सा भिन्न हो। अगर किसी भी वजह से किडनी का फंक्शन कम हुआ तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। और यह किडनी के फंक्शन के कम होने का कारण अगर टेम्पररी है, अब उदाहरण के तौर पे गर्मी के मौसम में अत्यधिक डिहाइड्रेशन में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चल ले और मांसपेशियों में थकान ज़्यादा आ जाए तो उस वक्त यूरिया और क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जिस कारण से यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा है उस कारण को हम दूर कर दें, जैसे कि अगर यही इंसान थोड़ा सा आराम कर ले, मांसपेशियों में फिर से जान आ जाए और यह खूब पानी पी ले, तो उस वक्त यूरिया और क्रिएटिनिन फिर से बेहतर हो जाएगा। तो अगर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा तो वो वापस कम भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण दूंगा, अगर किसी मनुष्य में दर्द की गोली या एंटीबायोटिक के रिएक्शन के कारण किडनी में टेम्पररी फंक्शन की कमी हुई हो तो वह यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। और इसे कुछ नहीं करना है, अगर वो दर्द की गोलियों को छोड़ दे या उस एंटीबायोटिक को छोड़ दे जिससे उसको रिएक्शन हुआ है, तो 2-3 हफ्ते के अंदर किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी और यूरिया और क्रिएटिनिन का जो वैल्यू है वह नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की बीमारी हो जाए जिसमें नेफ्रॉन में
एक ग्लोमुलस नाम का फिल्टर होता है जहाँ पे एक्चुअली यूरिन का शुरुआती निर्माण होता है। अगर वहाँ सूजन आ जाए, जिसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, अगर इस बीमारी को हम समय पे डिटेक्ट कर लें और उस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का उचित इलाज कर दें, तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ठीक हो जाएगा, ग्लोमुलस नॉर्मल हो जाएगा और यूरिया क्रिएटिनिन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो अधिकांशतः अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हो तो ये घट सकता है। दूसरी तरफ एक बीमारी होती है जब शुरुआत में हम बीमारी को नहीं पकड़ पाते, बहुत मरीज उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और लापरवाही के कारण अगर किडनी की बीमारी कोई शुरू हुई हो और उसे हम नेगलेक्ट करते चले जाएं, तो 5-6 महीने के बाद जब यूरिया क्रिएटिनिन किडनी के परमानेंट खराबी के कारण बढ़ी हो, तो वह यूरिया क्रिएटिनिन आमतौर पे लगातार बढ़ा हुआ ही रहता है। लेकिन इस बढ़े हुए यूरिया क्रिएटिनिन में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है डायबिटीज के कारण और क्रिएटिनिन 2 या 2.5 रहता है, और अगर इस मनुष्य को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया या प्रोस्टेट जो आम समस्या है उसके कारण पेशाब में रुकावट हो गया हो, तो यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। और अगर हम रुकावट को दूर कर दें या इन्फेक्शन को दूर कर दें, तो यूरिया क्रिएटिनिन घट जाएगा। तो यूरिया क्रिएटिनिन अपने आप में एक बीमारी नहीं है। यूरिया क्रिएटिनिन किडनी के फंक्शन नापने का एक तरीका है जिससे किडनी के कमजोर होने का अंदाजा लगता है। अगर किडनी की कमजोरी टेम्पररी है और उन कारणों को हम दूर कर दें जिसके कारण किडनी कमजोर हुआ, तो किडनी बेहतर हो जाती है और यूरिया क्रिएटिनिन ठीक हो जाता है। तो हर बार यूरिया क्रिएटिनिन का भरा हुआ रिपोर्ट देख के डरने की जरूरत नहीं है। नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है कि यूरिया क्रिएटिनिन के बढ़ने के कारण को ढूंढना। और बहुत बार अजीब अजीब केसेस देखने को मिले हैं। एक हाल की ही बात है, एक डायबिटीज के मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा था। उन्होंने मान लिया था कि यह डायबिटीज के कारण है, लेकिन जब वो आए और मैंने उनका गहन जांच पड़ताल किया, तो ये समझ में आया कि डायबिटीज के साथ साथ उनको एक और बीमारी लग गई थी जिसे मायलोमा बोलते हैं। अब मायलोमा को हम ठीक कर पाएंगे तो वह यूरिया क्रिएटिनिन ठीक हो जाएगी। तो अगर डायबिटीज के मरीज में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि यह बढ़ने का कारण डायबिटीज के कारण होने वाले किडनी की बीमारी ही है। हो सकता है, डायबिटीज बहुत आम बीमारी है, हर तीसरे आदमी को डायबिटीज है, तो एक डायबिटीज के मरीज को किडनी की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। बहुत बार तो डायबिटीज के मरीज में मैंने ऐसा देखा है कि उनके अंगूठे में फोड़ा हो गया हो, तो वह इन्फेक्शन के प्रभाव से भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और उस डायबिटिक फुट का अगर उचित इलाज हो जाए उन दवाइयों के द्वारा जो किडनी के लिए हानिकारक नहीं है, तो डायबिटिक फुट ठीक हो जाता है और यूरिया क्रिएटिनिन फिर से कम हो जाता है। तो एक बार यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यह बढ़ा ही रहेगा। अगर हम उस कारण का निवारण कर लें तो यूरिया क्रिएटिनिन घट भी सकता है। धन्यवाद।